नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हीरो इलेक्ट्रिक का ई बाइक चार्जर है। इसका मॉडल नंबर है 4827। इनपुट वोल्टेज है एसी 170 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी है 47 से लेके 63 हर्ट्स तक। इनपुट करंट 1 एम्पियर मैक्सिमम। आउटपुट वोल्टेज डीसी 59 वोल्ट प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। आउटपुट करंट 2.7 एम्पियर। सुटेबल फॉर ई बाइक बैटरी मॉडल 4x12 वोल्ट 20 AH और 12 वोल्ट 24 AH। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। इस चार्जर में कूलिंग के लिए साइड में एक कूलिंग फैन भी दिया हुआ है। इस सर्किट बोर्ड को मैं बाहर निकालता हूँ ताकि इसमें क्या प्रॉब्लम है हम ढूंढ सकते हैं। मैंने इस बोर्ड को बाहर निकाल दिया है। अब इसका जो बॉटम का ढक्कन है, इसमें देखो काला काला सा दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो पीछे का साइड है, इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट जरूर जल गया होगा। और ये जो फिल्टर कैपेसिटर है आउटपुट साइड का, ये भी फूल गया है। यहाँ देखिए, इस बोर्ड के दो सेक्शंस हैं। ये जो पहला वाला सेक्शन है, इसका ये हॉट साइड है और एक कोल्ड साइड है और बीच में ऑक्टो कपलर है। यहाँ ये ड्राइवर आईसी है और ये ड्राइवर आईसी पूरी तरह से जल गया है। मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये ड्राइवर आईसी पूरी तरह से जल गया है और इसके बाजू में एक SMD रजिस्टर है, वो भी पूरी तरह से जल गया है। तो ये दोनों पार्ट्स जल गए हैं। ये ड्राइवर आईसी कौन से नंबर का है और ये SMD रजिस्टर का वैल्यू कितना है, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, तभी हम इस पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मॉड्यूल लगाने से पहले ये जो ड्राइवर आईसी है, इसको निकाल देना पड़ेगा। और यहाँ एक स्विचिंग मॉस्फेट है जो कि शॉर्ट हो चुका है, और ये शॉर्ट होने की वजह से ही ये ड्राइवर आईसी भी जल गया है। तो इस मॉस्फेट को भी हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, मॉस्फेट को निकालना है, ड्राइवर आईसी को निकालना है, और ये जो आउटपुट कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर, ये फूल गया है, इसको भी हमें चेंज करना है। तो चलिए, मैं इन पार्ट्स को इस बोर्ड से हटाता हूँ और इसके बाद इसमें कौन सा मॉड्यूल लगेगा, उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये मैंने कैपेसिटर निकाल दिया है इसका, जो कि फूल गया है। कैपेसिटर मैंने यहाँ निकाला है, इसकी वैल्यू है 330 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट। ठीक है, बाद में इसको भी हम बदली कर देंगे। और अभी मैं इस मॉस्फेट को निकालता हूँ और ड्राइवर आईसी को भी निकाल लेता हूँ। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मैंने यहाँ इस मॉस्फेट को निकाल दिया है और इसका नंबर है 11N90। इस ड्राइवर आईसी का जो नंबर है, इस पे कुछ अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इस बोर्ड में ये ड्राइवर आईसी का नंबर होता है 3842। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये आईसी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मॉड्यूल लगाने वाला हूँ। एक STR मॉड्यूल है, जिसको हम LED TV में पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उसका नंबर भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो यहाँ मैंने इस ड्राइवर आईसी को भी निकाल दिया है, मॉस्फेट को भी निकाल दिया है। अब क्या करना है, यहाँ जो मॉस्फेट था, इसका जो बीच वाला पॉइंट है, वहाँ से एक ट्रैक ट्रांसफार्मर तक जाता है। तो उस ट्रैक से कुछ एक रजिस्टर और PF कैपेसिटर अटैच है, उसको भी हमें निकाल देना है। उसके बाद हम मॉड्यूल लगवाएंगे और उसके कनेक्शंस भी करेंगे। ई बाइक बैटरी चार्जर के बारे में आपके मन में कुछ भी अगर सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको ई बाइक बैटरी चार्जर के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी अगर मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। ये देखिए, एक STR मॉड्यूल है, इसका नंबर है 465।
अक्सर ये एलईडी टीवी में पावर सप्लाई को रिपेयर करने में किया जाता है। ये 5 वायर का मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को अब मैं इस बोर्ड में कनेक्ट करने वाला हूँ। इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट होती है, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए वीडियो देख लेना। सबसे पहले मैं यहाँ ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दूँगा। ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इसका जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड पर ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब जो ग्रीन वायर है उसको इसी मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव पे कनेक्ट करना है। तो ग्रीन वायर पॉजिटिव पे और ब्लैक वायर निगेटिव पे, ठीक है। उसके बाद जो येलो वायर है, ये जो मैंने यहाँ से मॉस्फेट निकाला था उसका जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ येलो वायर को जोड़ देना है, ठीक है। तो येलो वायर भी जुड़ गया। अब रह गए रेड एंड वाइट वायर। ये दोनों वायर कहाँ कनेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं वाइट वायर को कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ जो ऑक्टो कपलर है, इस ऑक्टो कपलर में यहाँ देखिए टोटल 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, टोटल 4 पिन हैं। ये पीछे की साइड से भी देख लो, ये 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन, ये 3 नंबर पिन और ये 4 नंबर पिन। तो जो वाइट वायर है ये ऑक्टो कपलर के पिन नंबर 4 पर जुड़ेगी, लेकिन उसके पहले ये 4 नंबर से जो ट्रैक आगे जाता है उसको कट करना है, ठीक है। अगर ट्रैक नहीं कट करना है तो आप ये 2 पिन जो है, 3 नंबर और 4 नंबर, इनको बाहर भी निकाल के बाहर से कनेक्शन दे सकते हो। मैं क्या करता हूँ, पहले इस ऑक्टो कपलर के जो पिन नंबर 4 और 3 हैं इनको बाहर निकालता हूँ ताकि मुझे ट्रैक को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें वाइट वायर को ऑक्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो पिन नंबर 3 और 4 है इनको मैंने इस तरह से सर्किट से बाहर कर दिया है। अब इसका जो बाहर की साइड का जो पिन है, पिन नंबर 4, वहाँ वाइट वायर को कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं पहले वाइट वायर को यहाँ सोल्डर कर देता हूँ। तो इस तरह से ये वाइट वायर का कनेक्शन हो गया। अब जो रेड वायर बचती है उसका भी कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये जो ऑक्टो कपलर का पिन नंबर 3 है वहाँ से एक वायर का टुकड़ा जोड़ के लेना है और उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि पिन नंबर 3 को ग्राउंड देना है। तो यहाँ जहाँ भी ग्राउंड का कनेक्शन है, जहाँ तक ये ट्रैक जाता है ग्राउंड का, वहाँ कहीं भी इस वायर को जोड़ सकते हैं। तो ऑक्टो कपलर की पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। अब रह गया रेड वायर का कनेक्शन, ठीक है। रेड वायर का कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर गलती से भी आप रेड वायर को किसी दूसरी जगह जोड़ देते हैं तो आपका एसटीआर मॉड्यूल ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड से यहाँ से एक कनेक्शन निकलता है, ये डायोड पे जाता है, ये ट्रांसफार्मर से डायोड के ऊपर जाता है और डायोड से होके इस कैपेसिटर पे जाता है। यहाँ पीछे से देखिए ये इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है, यहाँ से एक कनेक्शन निकलता है डायोड पे और डायोड से इस कैपेसिटर पे आता है। तो ये जो डायोड है, इसका डायोड का जो कैथोड पॉइंट है यहाँ
थ्रेड वायर को जोड़ देना है, ठीक है। यानी कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का पॉजिटिव यानी डायोड का जो कैथोड पॉइंट है वहाँ रेड वायर को जोड़ देना है। तो इस तरह से रेड वायर का भी कनेक्शन हो गया और जितने भी मॉड्यूल के कनेक्शंस थे वो पूरे हो गए हैं। अब हम इसमें सप्लाई देके इसको चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, इस हीट सिंक के ऊपर इस मॉड्यूल को फिट करना है। इस तरह से फिट करना है कि आपको इसको बॉक्स में फिट करते समय कोई परेशानी ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इस हीट सिंक के ऊपर इस साइड पे इस मॉड्यूल को नट बोल्ट की मदद से फिट कर दिया है। मैंने इसको साइड पे फिट कर दिया है ताकि बॉक्स में फिटिंग करते समय कोई परेशानी ना हो। अभी ये बच गया ये कैपेसिटर, ये 330 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट का कैपेसिटर है, लेकिन मुझे मार्केट में ये कैपेसिटर अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्या किया है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर का सेट बनवाया है। ये 1000 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट के तीन कैपेसिटर है जिनको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, और सीरीज़ में कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, 35 35 35 मिला के 105 वोल्ट इसका वोल्टेज हो गया, और इसका जो कैपेसिटेंस है ये 333 माइक्रोफेरेड हो गया है। तो ये कैपेसिटर का जो सेट है, तीन कैपेसिटर का, ये वही काम करेगा जो पहले वाला एक सिंगल कैपेसिटर करता था, ठीक है। तो ये कैपेसिटर को भी मैंने यहाँ जोड़ दिया है। अभी इसमें हम सप्लाई देके चेक करेंगे कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आता है। आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ मल्टीमीटर ले लेता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने 200 वोल्ट डीसी के ऊपर सेट किया है, और ये जो आउटपुट का जो पिन है डीसी आउटपुट का, इसमें मैं मल्टीमीटर के प्रोब लगा के रखता हूँ ताकि जब भी मैं सप्लाई ऑन करूँगा तो मल्टीमीटर पे हमें कितना वोल्टेज मिलता है डीसी ये पता चलेगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर के प्रोब में इस डीसी आउटपुट वाले पिन पे लगा के रखे हैं। मैं सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, सप्लाई को ऑन किया और ये इंडिकेटर भी रेड वाला पावर वाला इंडिकेटर जल गया है, और यहाँ मल्टीमीटर पे देखिए 55.1 वोल्ट दिखा रहा है। इसका जो रेटेड वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज ये 59 के आसपास है, लेकिन 2-3 वोल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चल जाता है। क्योंकि हमें 12-12 वोल्ट की चार बैटरी चार्ज करनी है तो 48 वोल्ट की ज़रूरत होती है, और चार्जिंग के लिए 48 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज होना चाहिए। तो यहाँ 55 वोल्ट है, तो ये ठीक तरह से काम करेगा ये चार्जर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।